आप देख रहे हैं न्यूज 8 इंडिया मॉर्निंग प्राइम। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा आज कर रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास परियोजनाओं की वो घोषणा करने वाले हैं और घाटी में राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है। बीजेपी नेताओं को ऐसी उम्मीद है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाली इस मेगा रैली में लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आयोजन वाली जगह के आसपास और पूरे श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। रियल टाइम सर्विलांस के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा कवरेज तय करने के लिए जवान पैदल और नावों पर लगातार गश्त कर रहे हैं। तो जबरदस्त इंतजाम प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए किए गए हैं श्रीनगर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 मार्च 2024 को कश्मीर घाटी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत दिए गए 32,000 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से कश्मीर घाटी में खुशी की लहर दौड़ गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर के लोगों में काफी उत्साह है। स्टेडियम बख्शी स्टेडियम के आसपास का पूरा इलाका तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पूरी तरह से पाट दिया गया है। तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है और खूबसूरत तरीके से पूरे श्रीनगर को सजा दिया गया है। के बख्शी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी, हजारों की तादाद में उसमें लोग शिरकत करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल, यहाँ पे काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर से जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, बीजेपी के लीडर्स भी यहाँ पे हैं। इस वक्त एक तो वो नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स हैं वो यहाँ पे इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। मैं फेरोज को कह दूं कि यहाँ से दिखाएं, आप देख सकते हैं इन सड़कों को सजाया जा रहा है, फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मौका है जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और एक जनसभा से वो संबोधित करेंगे। तो ये समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी, हालांकि पॉलिटिकल पैगाम भी उसमें ज़रूर होगा क्योंकि आने वाले दिनों में ही पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। बहुत जल्द जो है डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा एरिया जो है, एक तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दूसरा इस पूरे एरिया को सजाने की कोशिशें अब शुरू कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो भी यहाँ पे हैं, उनके साथ में बाकी लीडर्स हैं। सुरक्षा का पहरा आप देख सकते हैं, चाहे वो CRPF का हो, पुलिस का हो, SSB का हो, अन्य सुरक्षा बल जो हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। तो ये है इस वक्त श्रीनगर की सड़कों का हाल, जहाँ पर चप्पे चप्पे पे बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, रविंदर रैना खुद यहाँ पे बीजेपी के फ्लैग्स लगा रहे हैं और नेशनल फ्लैग्स भी लगा रहे हैं, यानी भारत का तिरंगा जो है उसको भी लहराया जा रहा है और साथ ही फ्लैग्स भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, हर तरफ से बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस रैली में क्या कहेंगे, क्या रहेगा उनका खास फोकस। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, श्रीनगर। तो श्रीनगर कितना खूबसूरत लग रहा है वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा, अभी किस तरह से तिरंगा हर तरफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर हर तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के अंदर आने और जाने वाली हर गाड़ी की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए, जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, फिर वो चाहे कार हो, ऑटो हो, पुलिसकर्मी एक एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं कि गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं और फिर गुजरने दिया जा रहा है, यानी अंदर आने वाली बाहर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और प्रधानमंत्री की रैली के लिए सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। सेना के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SSP के साथ साथ NSG के जवानों ने पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के बाहर हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों से खिताब करेंगे। एक मेगा रैली होगी, आप देख सकते हैं जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पे आपको सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, CRPF के लोग हों, SSB के लोग हों या अन्य सुरक्षा बल हों, जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है। ये बख्शी स्टेडियम का
मेन गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जितने भी गेट हैं उनको सील कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पास हैं और वो इस रैली के इंतजाम में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ ग्राउंड के बीचों बीच कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और वो अमल परसों से लगातार जारी है। एक तो पेविलियन पे लोग बैठेंगे और साथ ही बीच में, ग्राउंड के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि करीब 2 लाख लोग इस रैली में आ सकते हैं। तो अगर 2 लाख लोग इस रैली में आएंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह पे कैमरा लगा दिए गए हैं और हर आने वाले जाने वाले शख्स पे पूरी निगरानी की जा रही है। जितना भी ये पूरा एरिया है बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का पूरा खंगाला जा रहा है, यानी चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी में चूक ना हो उसके इंतजाम अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पे गश्त लगातार कर रही हैं, पुलिस की, CRPF की, SSB की, और जैसा मैंने कहा कि आउटस्कर्ट्स में सेना को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं CRPF के जितने भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है श्रीनगर की वो हमने आपको दिखाया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी में खासा उत्साह है। बीजेपी का यह दावा है कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाके से लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है श्रीनगर में, ये पहली रैली होगी धारा 370 हटाए जाने के बाद। क्या होगा इस रैली में, खास कितने लोग आएंगे, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना। रैना साहब, दावा आपका है कि 2 लाख लोग होंगे, यानी जन सैलाब होगा, क्या है डिटेल्स इस रैली की? बड़ी बेसब्री से वादी कश्मीर के लोग अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का इंतजार कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वादी कश्मीर के श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से कश्मीर के आवाम को खिताब करेंगे, एक जन सैलाब, एक जन समंदर आपको यहाँ कश्मीर में नज़र आएगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करता है। जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोला है और उसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट है और लोग, यहाँ की आवाम मोदी साहब को दिल खोलकर चाहती है। मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कश्मीर का जन समंदर 7 मार्च को श्रीनगर में दुनिया देखे। अभी बहुत जल्द जो है ऐलान होगा, इलेक्शंस का डेट्स फिक्स होंगी, तो क्या आपको लगता है कि उस पे असर होगा इस रैली का? यकीनन कश्मीर की आवाम मोदी साहब से मोहब्बत करती है और मोदी साहब के दिल में कश्मीर है, और जब मोदी साहब कश्मीर में आएंगे और मोदी साहब के दीदार के लिए पूरा कश्मीर उमड़ के यहाँ आएगा, यकीनन असर तो इसका रहे। मेरा आखिरी सवाल, कितनी मोबिलाइजेशन आप कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के भी लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, वो तो सरकारी लेवल पे, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी की जा रही है, जगह जगह पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या है तैयारी? पूरे कश्मीर के अंदर बीजेपी बड़े पैमाने पर तैयारियाँ कर रही है। बीजेपी जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर ब्लॉक, हर गाँव, हर शहर से आवाम को, नौजवानों को इस रैली के लिए यहाँ लाने की तैयारी कर रही है और बीजेपी कश्मीर के कोने कोने से इस रैली को कामयाबी के लिए आवाम को ला रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंदर रैना का दावा है कि करीब 2 लाख लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली में शिरकत करेंगे और रैली होगी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 7 मार्च को, आप देखना। तो बीजेपी में खासा उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। कश्मीर में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां आपको बता दें कई दिन पहले ही शुरू हो गई। शहर के कोने कोने में बीजेपी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर यूथ जो है, खासतौर पर युवा, वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली श्रीनगर में मुनक्कद होगी। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। ये रैली श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहां पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहां पे हर तरफ से सुरक्षा का पहरा बिठा दिया गया है। हालांकि इस रैली में शिरकत करने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से आएंगे, लेकिन खास सुरक्षा के इंतजाम इस एरिया में कर दिए गए हैं। आउटस्कर्ट्स में जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच मूड क्या है कश्मीर का, मूड क्या है लोगों का, वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 हजार फ्लैग्स बीजेपी ने लगाए हैं जगह जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट का एरिया हो, श्रीनगर के अंदरूनी शहर का एरिया हो, और साथ ही तिरंगे लहरा रहे हैं जगह जगह पे। जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं उसकी डिटेल यही है कि करीब 100 के करीब होटल्स बुक कर दिए गए हैं, गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, फ्लैग्स जगह जगह पे लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जो यूथ है उन्हें काफी सारी उम्मीदें हैं। स्कूल के बच्चों की माने तो युवा जो ड्रग्स की जद में जा रहा है उसे रोका जाए। क्या है कश्मीर में मूड प्राइम मिनिस्टर के आने का, आम लोगों से भी बात करेंगे लेकिन स्टूडेंट्स का जानना बहुत जरूरी है। जो छात्र हैं उनकी क्या राय है, क्या समझते हैं वो इस दौरे को लेके? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे रैली होगी, तो क्या है उनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस? आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम ओएस नज़ीर है। ओएस, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ पर ही वो आवाम से खिताब करेंगे, क्या है आवाम का मूड, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एजुकेशन में तब्दीली आनी चाहिए। किस तरीके की तब्दीली? जो कि कॉलेज में हम देख रहे हैं आजकल कि बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं खुलेआम, ये एक बड़ा जहर है और यहाँ पे पुलिस इस पे लगी हुई है कि यहाँ पे ड्रग्स का जो कारोबार है वो ख़त्म हो, क्योंकि नई जनरेशन तबाह हो रही है। इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर बड़ी लेवल पे कुछ करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, इससे नई जनरेशन तबाह हो जाएगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जितना प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए, खिताब करे, ड्रग्स के बारे में बोले कि ड्रग्स कंट्रोल होना चाहिए, फुल बायकॉट जीरो लेवल तक होना चाहिए। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छा ही करेंगे। तो क्या आपको खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, खुशी है, बताइए। बहुत खुशी है सर। प्राइम मिनिस्टर के आने की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं? यस सर। क्या है एक्सपेक्ट, क्या बनना चाहते हैं? सर इंजीनियर। सर तो क्या होना चाहिए देश में बेहतर? सर एजुकेशन होना चाहिए सर, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, वो होना चाहिए सर। यानी कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए? यस सर। इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ना चाहिए? यस सर, बहुत। यस सर, जैसे कि हाल ही में बजट पास हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज पोंपोर, खनमो और कुठवा में मतलब तब्दीली आई है। उम्मीद है कि जो इन्होंने बजट दी है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, रेल प्रोजेक्ट के जरिए आप कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ेगा, क्या आपको लगता है ये भी एक तब्दीली है? हाँ जी, बहुत बड़ी तब्दीली है। विकास बहुत जरूरी है। विकास बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में विकास का काम हो रहा है? ऑनेस्टली कहिए। हाँ, हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। यस सर। ठीक है, हमेशा और हो अच्छा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है तो मुतमईन है आप? हाँ जी, मुतमईन है। तो श्रीनगर का यूथ जो है कश्मीर का, वो मुखर है, खुलकर अपनी बात कह रहा है, और बीजेपी की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री की इस रैली में जो यूथ है, जो युवा है, उनकी तादाद ज्यादा रहे, और इसका जिम्मा बीजेपी युवा मोर्चा ने बाकायदा संभाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एड्रेस करेंगे रैली। तो आप देख ही रहे हैं जनाब, कितने लोग थे। अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी आए थे, श्री रविंद्र रैना जी। आपका ताल्लुक बीजेपी से है? जी, मैं, मेरा नाम मीर आसिम राशिद है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का। जी, क्या है एक्सपेक्टेशंस यूथ की यहाँ पे? मुझे लगता है 30-40 हजार यूथ तो आएंगे। एज पर कितने आएंगे वो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या चाहते हैं यहाँ के आवाम यूथ? अगर विकास की बात करें, कितने मुतमईन है लोग? देखिए, विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं, इससे पहले कश्मीर में था क्या? कुछ नहीं था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नल नहीं थे। अब जब से नरेंद्र मोदी जी राशन में आए तब से सब कुछ मिला। कि आप हमें ये बताइए, आप यहाँ पे आए हैं रैली के दिन आएंगे? जी सर, आएंगे। क्या सुनने आएंगे आप? बस जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलेंगे तो हम सुनेंगे। हाँ, तो काफी उत्साहित हैं आप, काफी खुश लग रहे हैं आप? हाँ, बहुत खुश। हमारा पीएम साहब आ रहा है, क्यों नहीं, सारे खुश है। कहाँ रहते हैं आप?
मैं बड़गाम। तो बड़गाम में कुछ विकास हुआ क्या? हाँ हो गया, आप खुद देख रहे हो इतनी डेवलपमेंट हो गई रोड की, वो तो आपको खुद भी पता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बीजेपी का झंडा लहराए हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है मूड, क्या है मूड, क्या है मूड श्रीनगर का। सर बहुत अच्छा मूड है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी है। आप बड़े उत्साहित हैं, किस चीज़ पे आप ज़्यादा उत्साहित हैं? हमारे जनाब वो बहुत प्यारे हैं मोदी साहब, इनसे बहुत प्यार है। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ श्रीनगर में सर। तो आप बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं? हाँ दिल से भी, वैसे भी हर एक जगह से सर। क्या लगता है आपको क्या कहेंगे वो अपनी तकरीर में, कोई गेस कर सकते हैं? वो हमेशा से बहुत मदद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, हम लगता है कि जब वो यहाँ आएंगे बहुत तरक्की हो जाएगी, बहुत हुई भी है स्मार्ट सिटी बाकी सब चीज़ों से, अब बहुत उनका वेट है, इंतज़ार है, वो जब आएंगे बहुत 7 तारीख को इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, आएंगे तो उम्मीद क्या है, क्या अनाउंस करेंगे यहाँ पे? यही हमारे साथ वो बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं हर एक जगह से, दिल से भी उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, स्मार्ट सिटी बनाई है, फ्लाई ओवर्स हर एक जगह पे उनने बहुत अच्छा काम किया है। बताइए मोदी जी आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको, कितना अच्छा है? अच्छा है सर, हमारा हेल्प हो जाएगा सर। कौन सी हेल्प हो जाएगी? मोदी जी ने हमको बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्प किया, खास तौर से क्या? तनख्वाह चढ़ाया। अच्छा आपकी कितनी थी, आप कितनी है? मुझे 60,000। 60,000 तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने काफ़ी हेल्प इनकी की, इनके तनख्वाह में इजाफा हो गया। और बीजेपी ने नई सोच नया जम्मू कश्मीर के नाम से एक वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बीजेपी ने इस वीडियो को रिलीज किया है। विश्वास आज जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, देश के अंदर जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना, आज यहाँ गरीब के घर पे फ्री अनाज जा रहा है, गरीब का मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है, गरीब आगे बढ़े उसके बच्चे को स्किलिंग की जा रही है, उसके बच्चे को नौकरी दी जा रही है, विश्वकर्मा के माध्यम से उसके रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर दूर दूर जहां पानी पीने का नहीं था और कई कई दिन लोग पानी से तरसते थे और पानी लाने के लिए कई कई घंटे पैदल चलना पड़ता था, आज जम्मू कश्मीर के हर घर तक पीने का पानी नल से जल पहुंचाने का भगीरथी कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर एक सबको साथ लेने वाली धरती, यहाँ चिरारे शरीफ भी है, यहाँ शंकराचार्य भी है, यहाँ छेवीं पातशाही का गुरुद्वारा भी है, यहाँ अनगिनत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक बड़े दिल वाली धरती है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरी दुनिया को दिखाया है कि बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, टूरिज्म कैपिटल जम्मू कश्मीर, विकास की नई गाथा लिखता जम्मू कश्मीर, शांत जम्मू कश्मीर, स्वर्ग जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का नया